नमस्कार गोपाल, मैं हूँ आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के खास खबरों की। राज्यसभा के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जमा किए नामांकन, भाजपा से 4 और कांग्रेस से 1 प्रत्याशी। विधानसभा में भाजपा विधायक ने सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल, अपने मंत्रियों पर लगाए आरोप। कोलारस मुंगावली का नाम आता ही सार्वजनिक मंच से जानी बनने लगी राजभर के भाजपा विधायक। राजधानी भोपाल के राठीगढ़ में बुजुर्ग सब इंस्पेक्टर के घर तक थी 4 हथियार पर बदमाशों ने पकड़ा धावा। गुना का हाई प्रोफाइल एमोरक ट्रैफिकिंग मामला, कांग्रेस पार्षद के देवर सहित पटवारी धराए, सप्लाई करते हुए लग गया। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन सभी प्रत्याशियों ने सोमवार को नामांकन पत्र भी दाखिल किए। राज्यसभा के लिए भाजपा ने कैलाश सोनी और अजय प्रताप सिंह, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और धर्मेंद्र प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री राजमणि पटेल के नाम पर हाईकमान ने सहमति दी है। नामांकन को देखते हुए सोमवार सुबह से ही कई मंत्री भाजपा कार्यालय में इकट्ठा हो गए थे। इनमें मंत्री नरोत्तम मिश्र, कई नेता व मंत्री शामिल हैं। भाजपा के सभी प्रत्याशी सोमवार सुबह 10 बजे भाजपा कार्यालय पर पार्टी संस्थापक की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इसके बाद वे विधानसभा नामांकन जमा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और भाजपा संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहे। सुबह करीब 10:15 बजे भाजपा के चारों प्रत्याशी थावरचंद गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, कैलाश सोनी, अजय प्रताप सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहीं दोपहर करीब 2 बजे कांग्रेस प्रत्याशी राजमणि पटेल नामांकन। इस दौरान पटेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के साथ कई विधायक मौजूद थे। वैसे उम्मीद कम ही जताई जा रही है कि खाली हो रही राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग की नौबत आए। मेरा भी लाइक जा रहा है। इसमें केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे राज्यसभा में दूसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवार बनाया। मैं 1965 से संगठन द्वारा जो जो दायित्व मुझे दिया गया उसको निर्वहन करने का कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास करता रहा हूं। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को कि उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और जो दायित्व मुझे मिला है उसको कर्तव्य निष्ठा से कठोर परिश्रम करके पूरा करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक हजारीलाल दांगी ने सरकार के कामकाज पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने स्कूल भवन की मांग की जिसका कोई भी सटीक जवाब नहीं मिला। यहाँ विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे ही मंत्री भट्टाधार कर रहे हैं। तो विधायक के सवाल पर मंत्री सटीक जवाब नहीं दे रहे थे। इससे नाराज होकर विधायक दांगी ने कहा कि आज के बाद अब मैं कोई बात नहीं करूंगा। उनका ये जवाब सुनते ही सदन में सन्नाटा छा गया। वही वहां बैठे सभी लोग शॉक रह गए। इसके बाद करीब 12 बजे विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सूचना दी। इस पर यशपाल सिंह को विशेष अधिकार का सवाल उठाने की मंजूरी दी गई। इस पर सदन में हंगामा हो गया। सत्ता और विपक्षी दल के सदस्यों में तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि जो कार्रवाई सदन में विलोपित कर दी गई थी उस पर विशेष अधिकार कैसे आ सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि विधायक जीतू पटवारी ने मीडिया के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा, यदि फिर भी वे ऐसा मानते हैं तो इसके लिए माफी मांगते हैं। इसको लेकर सदन में विवाद हो गया।
विवाद को देख स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर। इस दौरान मंत्री और कांग्रेस विधायकों में जमकर तकरार हुई। दोनों ओर से एक दूसरे पर मीडिया को दबाने की कोशिश के आरोप लगाते रहे। इस दौरान शेजवार ने कहा कि कांग्रेस अपने काले कारनामे दबाने के लिए मीडिया को दबा रही है, साथ ही सदन की कार्यवाही का दुरुपयोग कर रही है। प्रश्नकाल के समय कांग्रेस के विधायक और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, श्री जीतू पटवारी जी के द्वारा प्रश्न के माध्यम से सदन में ये कहा गया कि चोरों की मंडली के द्वारा चोरों को विज्ञापन दिए जा रहे हैं, ये सदन के रिकॉर्ड में है और इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों के द्वारा विशेषाधिकार हनन का नोटिस सदन के समक्ष माननीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने दिया है और उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार करें और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो मीडिया सदन का सदस्य नहीं है उस मीडिया के बारे में सदन में बात कहना, वो अपने स्पष्टीकरण भी सदन में नहीं दे सके, इसलिए पूरे देश के मीडिया का अपमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक जीतू पटवारी जी ने किया है। इसको लेकर लगातार हम लोग आज सदन में अध्यक्ष जी से ये बात कर रहे हैं कि ये प्रिविलेज मोशन को स्वीकार करें और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई विशेषाधिकार समिति है वो करें। ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसके साक्षी अप्रत्यक्ष रूप से आप भी हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम भी हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि हम उसमें भागीदार हिस्सा ले सकते हैं। आपने उस दिन देखा होगा कि प्रश्नकाल में आज तक आसंदी से प्रश्न नहीं किया जाता, प्रश्न मंत्री से किया जाता है। पहली अवमानना शासन से प्रश्न, दूसरी मीडिया के बारे में नाम से प्रश्न नहीं किया जाता जो कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आज तक ऐसी गलती एक बार पहले अगर आप ध्यान में एक दो साल पहले वेबसाइट के बारे में भी पूछ रहे जानबूझ के की गई टारगेट पर आता कि एक दूसरे में डिफरेंस हो जाए। तीसरी गलती अपने उस वक्त बात की थी माफ आपको मीडिया हाउसेस को झूठ नहीं कहना चाहिए था। आज भी लगातार इसी तरह की बात में आप सब देखे होंगे कि एक भी बार वो व्यक्ति उठकर खड़ा नहीं हुआ। ये आप सब साक्षी हैं अपने बात को खेद व्यक्त करने के और ये सब चीजें स्वाभाविक रूप से प्रबलेश में आती है और इसलिए प्रबलेश में हमारे सिसोदिया जी यशपाल जी ने और सम्मानित उसमें 10 सदस्यों ने इसे विशेषाधिकार को देने की बात करी है। हमारी मांग पर हमारे पक्ष को कांग्रेस सुनना भी नहीं चाहती है, यह बहुत चिंतनीय विषय है और निंदनीय विषय है। हम क्या कह रहे हैं कम से कम सुना तो जाए। यशपाल जी को ढंग से बोलने दिया जा रहा है, ना श्रीनिवास साहब को बोलने दिया जा रहा है, मुझे वक्त नहीं दिया जा रहा है और मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे की सदस्यता समाप्त। भाजपा नेता कोलारस और मुंगावली में हुई पार्टी के हार को अब तक पचा नहीं पाए हैं। इस हद तक चीज है कि भाजपा के एक नेता ने मुंगावली कोलारस का नाम आते ही सार्वजनिक रूप से अब शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। राजगढ़ के भाजपा जिला अध्यक्ष बद्रीलाल यादव मंच से ही गाली देने से बाज नहीं आए, जो पचौर में आयोजित एक समारोह के दौरान कुछ इस तरह बोले कि उनकी इस भाषा का विरोध बढ़ा और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीलू दुर्गा के नेतृत्व में पचौर शहर में उनका पुतला जला दिया गया। वे यहां 16 करोड़ रुपए की लागत से पचौर में लिंक रोड के भूमि पूजन समारोह में अतिथि के रूप में बोल रहे थे, जहां सांसद रोडवल नागर और विधायक नारायण सिंह पवार भी मौजूद थे। सांसद ने यहां अपनी सभ्य भाषा के साथ भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों के बारे में बताया तो विधायक पवार ने मोदी और शिवराज सरकार की योजनाओं और जनता को होने वाले लाभों से अवगत कराया।
लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष विकास से मुंगावली और कोलावरस के उपचुनाव पर पहुंच गए और देखते ही देखते उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। आयोजन के दौरान कई महिलाएं भी वहां मौजूद थी, लेकिन इन शब्दों को विराम नहीं देने की वजह से मौजूद लोग भी ठहाके लगाते नजर आए। जिला अध्यक्ष पिछले बोलों को लेकर बाद में कांग्रेस ने उनके पुतले फूंके। मध्य प्रदेश, अरे मन खेल जाओ तो थोड़ा सा, ये तो बरगुल से शुरू हो रही है तूफान, वापस तूफान आ रही है। जिस बच्चे पर केंद्र में भी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में भी सरकार बनेगी, तो सब क्या था? फिर भी बड़ी मुश्किल से कांग्रेस नाक बच गई खाली, हम लाए उसको ऐसा नहीं। 30,000 वोट से हमने कान लाके छोड़े हुए। अब हो जाएगा आमना सामना, अभी आ गया थोड़ा दिन और कठिन चुनाव का, देखेंगे मुगावली और कोलावर ऐसा नहीं, ठीक शान टूटी रहती है। अब उनका घर को मरियो सो नहीं, हाँ थोड़ी शान टूटी अपन लोग आ गया, ठीक है आपको चार छह महीने की तो बात है, तो सारी बात देखिए खाली बात है, परंतु भाजपा में आनंद आ गया, प्रदेश में भी आनंद आ गया और हमारे देश में भी आनंद आया, और हमारा देश सही दिशा में जा रहा है, सही दिशा में चल रहा है। अभी बता सकते हमारे मोदी जी का काम करने का तरीका। प्रदेश के राजधानी भोपाल में बदमाशों का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में हुए एक डबल मर्डर का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि रातीबड़ में फिर एक बुजुर्ग के घर डकैती का मामला सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक रविवार देर रात हथियार समेत आए चार बदमाशों ने एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के घर घुसकर उनके परिवार को बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग कृष्णा पांडे के सिर पर रॉड से हमला भी किया। बुजुर्ग पांडे की पत्नी को जान से मारने की धमकी तक दी। सूचना मिलने के बाद रातीबड़ थाना पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की सही जानकारी मिल पाएगी। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई, जल्द ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाश खिड़की तोड़कर घर में घुसे थे। गुना के हाई प्रोफाइल इमोरल ट्रैफिकिंग मामले में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इसके अलावा पुलिस ने कांग्रेस के एक नेता सहित पटवारी व दो अन्य को अलग अलग जगह से पकड़ा है। इसमें कांग्रेस पार्षद का देवर नगर रक्षा समिति का सदस्य भी है। इस मामले में मुख्य आरोपियों ने स्वीकार किया कि कैंट क्षेत्र में वे दो होटलों में लड़कियां सप्लाई करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती 31 जनवरी को शहर की एक नाबालिग छात्रा को बूढ़े बालाजी क्षेत्र स्थित अब्दुल रशीद के घर से कैंट पुलिस ने छापा मारकर बरामद किया था। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी अब्दुल रशीद और उसकी पत्नी सनम कुरैशी भाग गए थे। ये सामान लेने घर आए थे, इसी बीच पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे और उप निरीक्षक पूजा घुरैया ने संवाददाताओं को बताया कि अभी तक इस मामले में 16 से अधिक लोगों को पकड़ा जा चुका है। अभी कुछ और लोगों को पकड़ा जाना शेष है जो इस अनैतिक कृत्य में शामिल हैं। सनम, रशीद, संजय, कृष्ण वल्लभ, राधेश्याम ओझा को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। सनम कुरैशी का 5 दिन का कोर्ट से रिमांड मांगा गया है। बड़ा सा एक्स्ट्रा किट पकड़ा गया था, उसमें और कितनी गिरफ्तारियां की गई और एक पटवारी के पकड़े जाने की यहाँ पर सूचना है, तो उसको बताएं क्या? जी 31 जनवरी को एक लड़की नाबालिग गायब हुई थी, उसकी हमारे यहाँ रिपोर्ट डाली गई थी। उसके बाद हमने उसे कंटिन्यू ढूंढाई की उसकी, और 20 फरवरी को वो लड़की सनम कुरैशी के घर से बरामद हुई थी। उस टाइम पर पुलिस के पहुंचने से वो लोग गायब हो गए थे, सनम और रशीद, उसका पति पत्नी दोनों। हमने उसे वहाँ से बरामद किया था। उसके बाद हमने इस प्रकरण में 11 गिरफ्तारियाँ कर ली हैं और उसी तारतम्य में आज 5 गिरफ्तारी की है। कल उसमें सनम कुरैशी और उसका पति रशीद कुरैशी है, ये उसी टाइम घटना के समय से ही बाहर थे और कल ये अपने घर आए थे सामान लेने के लिए। उस टाइम इन्हें हमने घर से मुखर की सूचना पर से गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लोग और गिरफ्तार किए हैं, जिनमें एक पटवारी है जो डोंगर का रहने वाला है, चाचौड़ा तहसील में पटवारी है वो, और एक डिम्पल सोनी है, बैटरी की दुकान है जहाँ पर उस नाबालिग को सनम कुरैशी लेके गई थी वहाँ पर, एक और अन्य व्यक्ति है जिसका सोनू किरार नाम है। इसमें आगे और गिरफ्तारियाँ होनी है अभी? जी अभी आगे भी इसमें और गिरफ्तारियाँ होना है, पर ये कहना मुश्किल है कि कितनी गिरफ्तारियाँ होना है। अभी मामला जाँच में है और भी आगे इसमें जो भी होगा वो कार्रवाई बताई जाएगी आपको।
इन दिनों अन्नदाता टमाटर की बंपर पैदावार की वजह से परेशान हो गए हैं। बंपर आवाज के बाद बाजार में टमाटर के दामों में अचानक गिरावट आ गई है। किसानों का कहना है कि जिस कीमत में उनसे टमाटर खरीदा जा रहा है, इससे माल का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। रायसेन जिले के बाड़ी तहसील के किसान टमाटर के मूल्य न मिलने के कारण अपने टमाटर की फसल को फेंक रहे हैं या पशुओं को खिला रहे हैं। टमाटर का भाव 20 रुपए प्रति कैरेट बाजार में है। टमाटर की तुड़ाई की मजदूरी 30 रुपए प्रति कैरेट है। गत वर्ष टमाटर का मूल्य 200 रुपए कैरेट था। बाजार में टमाटर के रेट गिरने से उत्पादन करने वाले किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुद्धि तहसील के रहटी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों से बने बस स्टैंड का लोकार्पण और 520 प्रधानमंत्री आवास का भूमि पूजन किया। वहीं करोड़ों की लागत से बनी मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित मर्दानापुर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने अकेले रहटी में 514 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने यहां कहा कि बुद्धि विधानसभा को भारत की सबसे आदर्श विधानसभा बनाऊंगा। जो मैंने सपने रहटी के विकास के लिए देखे हैं वे पूरे हुए हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत आनंद और प्रसन्नता का दिन है। 182 गांव में नर्मदा जी का शुद्ध जल नल जल योजना के माध्यम से घर घर आएगा और अब बेटियों को पानी भरने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। घर में टोटी खोलेंगी और पानी आएगा। आज उस नल जल योजना का लोकार्पण हुआ है और कुल मिला के लगभग 584 करोड़ के आसपास रुपए के कामों का आज शिलान्यास हुआ है या लोकार्पण हुआ है। विकास की गंगा यहाँ भी बह रही है और ये विकास जारी रहे। सीहोर के गांधी रोड पर 5 चौराहे के पास फिर खुदाई का काम चल रहा है। मार्ग पर गहरीकरण कर नाले का निर्माण हो रहा है, लेकिन काम की गति धीमी होने के कारण वाहन चालक, व्यापारी और खरीदारी करने आए ग्राहक खुदाई से निकले मलबे के चलते समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। गांधी रोड पर जाने वालों को लंबी दूरी तय करना पड़ रही है। वहीं यहां वहां वाहन खड़े होने से बार बार जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। कभी सीहोर की पहचान बांस के झुमुटों से हुआ करती थी। कई प्रजाति के बांस सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। इसको लेकर इसको किसी की नजर लग गई है। ये विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसकी मुख्य वजह गर्मियों में होने वाली आगजनी है। शहर के बीचों बीच सीवर नदी किनारे कई प्रजातियों को दुर्लभ बांसों को लगाया गया था। कभी ये बांस के झुमुट लोगों के बीच सुंदरता का पर्याय हुआ करते थे, लेकिन लगातार लापरवाही ने आज विलुप्त होने की कगार पर ला दिया है। बांसों से गिरने वाले सूखे पत्ते और डालियों पर हर गर्मी के मौसम में बारूद का काम करते हैं। साफ सफाई के अभाव के चलते सुंदरवन वन विभाग और हाईवे किनारे लगे इन बांसों के आसपास कचरा जमा हो जाता है। हर बार गर्मियों में यह कचरा आगजनी का कारण बनता है। पिछली गर्मियों में भी 2 दर्जन से अधिक आगजनी के कारण हजारों बांस जलकर नष्ट हो गए थे। इस बार भी समय रहते वन विभाग ने सफाई नहीं कराई है तो भविष्य में होने वाली घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। राजगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को 22 दिन पूरे हो चुके। अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करते हुए रविवार को पोलियो अभियान के दौरान संविदा कर्मियों ने भी अपनी नौकरी को विकलांग बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हमेशा बैसाखी पर चलते हैं जिसे कभी भी हटने का डर बना रहता है। बैसाखी लेकर किए गए इस प्रदर्शन के दौरान संविदा कर्मियों ने सरकार की मंशा को गलत बताया और शीघ्र ही उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम भी नहीं चाहते कि कोई अभियान बिगड़े। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवा से लौटने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसके जरिए CHMO ने संविदा कर्मियों को सोमवार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समय पर कार्यालय आने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी हड़ताल जारी है। इस दौरान जिले भर के बच्चों को दवा पिलाने का काम करने के लिए ALM बोली कि समान वेतन समान कार्य को लेकर हमारा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में पोलियो अभियान में हमारी सहभागिता नहीं है। यह हालात यह है कि हम अपने बच्चों को भी दवा नहीं पिला सके। गुना में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की पुलिस द्वारा पिटाई के विरोध में कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुशील दही फले और एक आरक्षक के बीच वाहन चोरी के मामले में झड़प हुई। इसके बाद दही फले पर पुलिसकर्मी टूट पड़े और दही फले के साथ 2-3 पदाधिकारियों के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में दही फले के कपड़े तक फट गए। इसकी बनाई मिलते ही भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता
वह कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और घेराव करके वहीं धरने पर बैठ गए और पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस हंगामे के बाद एसपी ने मारपीट करने वाले 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौराहे पर जाम लगाया। इस दौरान कुछ दुकानें भी बंद देखी गई। अपराधियों पर कार्रवाई करें, इसको लेकर आज हम लोग थाने में आए। हमारे युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष साथ मारपीट की है। हम चाहते हैं कि उन चारों पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड करें। पुलिस अधीक्षक महोदय, सरकार की बदनामी अधिकारी ना करें, या अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से, सरकार की बदनामी ना करें। और सरकार चाहती है लोगों को न्याय मिले। शहर के अंदर पुलिस की चोरियां मोटरसाइकिल की ज्यादा हो रही थी, इसलिए हमारा युवा मोर्चे का युवा साथी कोतवाली में आया था जानकारी देने। तो फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।